देखिए, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो ऑब्वियसली आपका मोटिव होगा कि हाउ टू स्टडी इंजीनियरिंग ग्राफिक टू स्कोर 99 परसेंटाइल। और सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न अभी जो भी सीयूटी लीड के प्रिपरेशन करने वाले छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनका यही मतलब सेल्फ डाउट होता है कि अगर वो कंप्यूटर साइंस से हैं तो CS चूज करें या इंजीनियरिंग ग्राफिक। तो देखिए, शुरू से लेकर अंत तक हम यही बोलते आ रहे हैं अपने वीडियोज़ में कि इंजीनियरिंग ग्राफिक का सिलेबस बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान, और वन ऑफ द मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। यहाँ तक कि 99 परसेंटाइल भी आप स्कोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, ऑब्वियसली आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं अपने एक दोस्त से मिलाने वाला हूँ जो कि मेरे साथ पढ़ते हैं, और उन्होंने इंजीनियरिंग ग्राफिक में 99 परसेंटाइल लाया है। तो उनसे आप खुद सुन सकते हैं कि उन्होंने क्या कैसे प्रैक्टिस किया और कैसे उन्होंने 99 परसेंटाइल लाया। तो देखिए, अभी कुछ दिनों से मेरे वीडियोस पे कमेंट आ रहे हैं, कुछ डाउट हैं मतलब आप लोगों के, जैसे कि नो फ्री कंटेंट अवेलेबल फॉर इंजीनियरिंग ग्राफिक ऑन यूट्यूब। ये बिल्कुल सत्य बात है कि कोई भी फ्री कंटेंट आपको बिल्कुल अच्छे से कोई भी टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा, पढ़ाया हुआ मिलेगा ऑन यूट्यूब। दूसरा डाउट आ रहा है, विच बुक इज़ बेस्ट फॉर CUET लीड। तो अभी पहले भी हमने आपको बुक के बारे में बताया है, और आज ही बताऊँगा कि कौन सी बुक आप कैसे कवर करें, बहुत ही आसानी से आप CUET लीड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तीसरा आपका, आप लोगों का सेल्फ डाउट आ रहा था कि बुक इज सफिशियंट आर नॉट, क्या केवल बुक सफिशियंट है फॉर इंजीनियरिंग ग्राफिक। चौथा आप लोगों का डाउट आ रहा था, मॉक टेस्ट कहाँ से दे। ऑब्वियसली आज के जनरेशन में अगर आप किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन से ज़्यादा मॉक टेस्ट देख के अपने आप को एनालाइज, अपने आप को चेक करना इंपॉर्टेंट है। क्या क्योंकि आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आप एक एनालाइज कर लेते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, क्या आप कितना स्कोर कर सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस का हम इस वीडियो में आंसर देने वाले हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा था, कौन सा चैप्टर स्कोरिंग है, मतलब इसमें भी कौन सा चैप्टर स्कोरिंग है। इसमें भी सात चैप्टर हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक में, और सातों में कौन सा मतलब सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। तो देखिए, हम कहना चाहते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, नो फ्री कंटेंट अवेलेबल ऑन यूट्यूब। हाँ, ऑब्वियसली इट्स राइट कि कोई फ्री कंटेंट नहीं है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो एक दो वीडियोज़ भी मिलेंगे, लेकिन वो भी पूरा फुल कंटेंट में नहीं मिलेंगे। तो देखिए, वीडियोस के चक्कर में मत जाइए। आपको मैंने पहले ही बताया है, और अभी हमारे दोस्त का भी एक्सपीरियंस सुनिएगा, वो भी बताएंगे कि बुक, आपको मैंने बुक बताया था जो कि रचना सागर का है। देखिए, बुक आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, यही बुक है। देखिए, CUET 2024 के लिए, UG 2024, इसमें क्वेश्चन बैंक भी है और सैम्पल पेपर भी है, और ये जो पब्लिकेशन है रचना सागर जी का है। तो इस बुक का अप्रॉक्स जो कास्ट है 170 से 180 तक आता है। आप इसे ऑनलाइन मंगा के, और इसमें जो कंटेंट दिया हुआ है और जो CUET लीट का मतलब जो पॉलिटेक्निक पाठशाला का आप कोर्स का मतलब खरीदेंगे, बिल्कुल उसका कोर्स इस बुक में ही दिया हुआ है। तो देखिए, फ्री, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हमें मतलब कमेंट कर रहे थे कि उनका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो गया। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अगर दो लोग मिल के अगर ले सकते हैं, दो या तीन लोग मिल के अगर कोर्स खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए, अदरवाइज बुक इज़ सफिशियंट अकॉर्डिंग टू मी। देखिए, बुक सफिशियंट, ऑब्वियसली बुक सफिशियंट, ऐसा नहीं है कि बुक सफिशियंट नहीं है, बुक बिल्कुल सफिशियंट है। बुक का एक एक पेज, एक एक पन्ना आप पढ़ डालिए, केवल 90 से 100 पेज ही होगा उस बुक में, और आप आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए आता है कि मॉक टेस्ट कहाँ से दे। तो देखिए, मॉक टेस्ट आप अगर कोर्स परचेस करेंगे तभी दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं। जो मतलब रचना सागर की बुक है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है, उसको ही आप दो तीन बार लगा लीजिए, ऑब्वियसली आपका मॉक टेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबका मतलब एक ही है। देखिए, सब जो भी आपका डाउट आ रहा है, सबका एक ही उपाय है, सबका डाउट मतलब सब डाउट का एक ही सोल्यूशन, सेल्फ स्टडी एंड प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं वही आपका सेल्फ डाउट है। तो चलिए, हम अपने दोस्त से मिलाते हैं। आप लोग मेरे से परिचित होंगे ही, मेरा नाम नीरज वर्मा है, और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं अपने एक दोस्त से मिलाऊंगा जिन्होंने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स CUET लीड 2023 में 99 परसेंटाइल स्कोर किया है। और ये मेरा सौभाग्य कि मैं उनके साथ पढ़ रहा हूँ, और उनका नाम सुमित मणि त्रिपाठी है। तो देखिए, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हेलो लोग, मेरा नाम सुमित त्रिपाठी है। जैसा कि आपको नीरज भाई ने बताया, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा स्कोरिंग किया जा सकता है। तो इसमें स्कोर करने के लिए सबसे पहली बात, मैंने तो पॉलिटेक्निक पाठशाला से कोर्स परचेस किया था। उसके बाद मैंने उनका एमसीक्यू और उनका मॉक टेस्ट दिया था। तो यदि आप लोगों के पास इनके कोर्स भी इस टाइम बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, और उनका यदि आपको कोर्स मतलब फ्री में पढ़ना है, तो एक रचना सागर की बुक आती है,
उससे आप पढ़ सकते हैं। वो जो उसमें का जो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वही मॉक टेस्ट में भी दिए थे और मैंने वही सॉल्व किया था जिससे मेरा स्कोर आ चुका है। उससे मतलब रचना सागर वैसे आपको नीरज जैसे आप जानते हैं आपके भाई हैं सर हैं जो भी हैं वो आपको बता देंगे। तो देखिए जैसे मेरे फ्रेंड सुमित ने अभी अपना ओन एक्सपीरियंस शेयर किया कैसे इन्होंने 99% स्कोर किया था। तो देखिए ऑब्वियसली कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग ग्राफिक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। तो आप यदि आपके पास पैसा है तो आप पॉलिटेक्निक पाठशाला का कोर्स परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज रचना सागर एक बुक है जो कि मैं शुरू में आपको दिखा भी दिया हूँ, उस बुक को परचेज कर लीजिए। उसका कॉस्ट अप्रॉक्स 180 रुपीज है और उसका जो भी एक एक पॉइंट है उसको आप रट लीजिए, मतलब रट ही लीजिए, क्योंकि रटना ही जैसा कि मैंने शुरू में बोला सेल्फ स्टडी एंड सेल्फ प्रैक्टिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू गेन मार्क्स इन एनी सब्जेक्ट आर एनीवेयर। सो लास्टली आई कैन से कि अगर वीडियो में आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा और कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो अनदर भी सब्जेक्ट से जैसे कि केवल इंजीनियरिंग ग्राफिक ही नहीं मैथमेटिक्स का भी मैंने बता दिया है, साथ ही साथ आपको हमने मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग ग्राफिक एंड जनरल टेस्ट का भी सब एक सब्जेक्ट का मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताया कहाँ से पढ़िए कैसे पढ़िए और कैसे आसानी से आप मार्क्स स्कोर कर लेंगे। आपके पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी फरवरी मार्च अप्रैल मई में आपका एग्जाम होने वाला है, तो 4-5 महीने में आप बहुत अच्छे से थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे तो स्कोर कर सकते हैं। तो लास्टली आई कैन से इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल for you, then please share with your friend. Thank you.